हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं मैथ्स हाईलाइट सीरीज 2023-24। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने ट्वेल्थ कॉमर्स मैथमेटिक्स का पेपर वन का इंटीग्रेशन जो चैप्टर है उसका हमने एक्सरसाइज 5.4 तक के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अगर आपको एंटायर वीडियो देखना है कंप्लीट सिलेबस का, मैथमेटिक्स पेपर वन, मैथमेटिक्स पेपर टू, मिसलेनियस सम एज वेल एज एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जाम्पल, देन क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन, देन क्वेश्चन बैंक, ऑल वीडियोज लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। सो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.5। तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हर एक एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन के हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड स्टडी करते हैं, तो एक्सरसाइज 5.5 में भी एक डिफरेंट मेथड है जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, या उसे आप बोल सकते हो यू इंटू वी रूल। देखो, हमने डेरिवेटिव्स में यू इंटू वी रूल किया था, उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। तो ऐसा ही कुछ रूल इंटीग्रेशन में भी होता है जिसे हम बोलते हैं यू इंटू वी रूल, या आप उसे बोल सकते हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट। इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन हो सकता है, टी का भी हो सकता है, किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है वो। सो लेट यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स, देन इंटीग्रेशन यू मल्टीप्लाइड बाय वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है यू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ यू, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यू अगेन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, होल डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, एक बार फिर से देखो मैं आपको बताता हूँ। इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू, फिर इंटीग्रेशन है वी इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देन अगेन मल्टीप्लाइड है इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स। तो ये टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए हम पहले वी का इंटीग्रेशन निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, उसके बाद फिर हम लास्ट में ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि u और v वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शन को u लेंगे हम, कौन से फंक्शन को v लेंगे, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो दो टाइप का फंक्शन रहेगा, तो आपको u कौन सा लेना है और v कौन सा लेना है उसके लिए मेथड है। तो आपको याद रखना है एक मेथड l a, उसे हम बोलते हैं ए रूल है। L का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A का मतलब होता है अल्जेब्रिक फंक्शन, और E का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स क्या होगा, log x अपॉन टू, log x स्क्वायर, ऐसा कुछ भी हो सकता है log के फॉर्म में। अल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब सिर्फ x रहेगा, जैसे कि x स्क्वायर हो गया, या x प्लस टू हो गया, x स्क्वायर माइनस टू हो गया, x अपॉन टू हो गया, ऐसा कुछ x का फंक्शन हो सकता है। e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि दो टाइप का होता है, एक होता है e रेज टू x और दूसरा होता है a रेज टू x के टाइप में, उसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो ये जो ऑर्डर है l a e का, इस ऑर्डर यानी कि अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम क्या लेंगे, u लेंगे, और जो बाद में आएगा उसे हम v लेते हैं, ध्यान में रखो। तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन और अल्जेब्रिक फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया है और उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, तो l पहले आता है ना, तो वो आपका u रहेगा, और देखो a बाद में आता है तो वो आपका v रहेगा। या सपोज एक अल्जेब्रिक हो गया, एक एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ऑर्डर में पहले a आता है तो u आपका a रहेगा और v आपका e रहेगा। अभी सम सॉल्व करूँगा तो ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमें u क्या लेना है और v क्या लेना है। पर ध्यान में रखो, ऑर्डर l a e, l फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, a फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन एंड e फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और दूसरा और एक फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश x इंटू dx। अगर ये टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा e रेज टू x रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन रहेगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव ऐड किया हुआ रहेगा, जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने लिख दिया है x स्क्वायर, ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। या सपोज f ऑफ x मेरा log x है, तो f डैश ऑफ x क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, बिकॉज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है। तो e रेस टू x ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आएगा। e रेस टू x को लिखना है और f ऑफ x को लिख देना है प्लस c। ये भी बहुत सिंपल फार्मूला है यूज़ करने के लिए। तो बेस्ड ऑन दीज टू फार्मूले अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 के सम्स। सो देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आएगा, एक फंक्शन आपका x है और दूसरा log x है। तो जो x है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि सिर्फ x है वहाँ पे, और जो log x है वो देखो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। रूल क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर रहता है L A E। इस ऑर्डर में जो पहले आएगा उसे हम u लेंगे, जो बाद में आएगा उसे हम v लेंगे। तो देखो L A E, तो L देखो बाद में आ रहा है, और A जो है ना, देखो L यहाँ पर पहले आ रहा है और A बाद में आ रहा है। तो L पहले आ रहा है ना, यानी कि ये आपका u रहेगा, और A बाद में आ रहा है तो ये आपका v रहेगा। तो ये देखो आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x, यानी कि u मैं पहले लिखता हूँ इंटू v जो है x बाद में लिखता हूँ इंटू dx। अब हम इस फॉर्मूला से उसे इवैल्यूएट करेंगे, बिकॉज ये देखो आपका u हो गया है और ये v हो गया है। तो अब सॉल्व करते हैं हम इसे फर्दर। देखो ये जाएगा आपका i इज इक्वल टू, पहले u आएगा, u मतलब हो जाएगा देखो आपका log x, फिर इंटीग्रेशन v आता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और v आपको दिया है x इंटू डी एक्स, फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन, फिर फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ u, u यहाँ पर log x है, फिर इंटीग्रेशन v यानी कि x इंटू डी एक्स, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आप लिखोगे होल डी एक्स। दिस सिंप्लीफाई कर दो क्या आता आंसर, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x निकालेंगे हम। तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है, फॉर्मूला है, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू। तो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस इंटीग्रेशन। सबसे पहले आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे और ये इंटीग्रेशन निकालोगे, उसके बाद ये इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 अपॉन x होता है मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो आपको पता है फॉर्मूला उसका है एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स। देखो मैंने कैसे किया, यहाँ पर log x लिखा मल्टीप्लाइड बाय x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस इंटीग्रेशन वैसे ही है d बाई डी एक्स ऑफ log x 1 अपॉन x हो गया इंटू इंटीग्रेशन x कितना मिला एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन निकल गया और ये आपका डेरिवेटिव निकल गया। अभी फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये x है अपॉन में और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है देखो हमें यहाँ पर, दिस इज log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस 1 बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, और यहाँ पर बचेगा आपका इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा देखो ये log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस हाफ वैसे रहेगा इंटू x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू। थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन टू यहाँ पर ले लो आप, और ये देखो log x है माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, और प्लस सी तो लिखना कंपलसरी है, हमने प्लस सी को यहाँ पे नहीं लिखा है, प्लस सी रहेगा। आप थोड़ा सा फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू को कॉमन भी ले सकते हो, बट नहीं लिया तो भी चलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट देखो, मैंने फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर भी देखो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि एक u रहेगा और एक v रहेगा, बट एक चीज़ यहाँ पे देखो आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे e का जो पावर है ना वो x नहीं है, e का पावर x स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं u इंटू v रूल अप्लाई करूँगा तो e रेज टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है। e रेज टू x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है e रेज टू x होता है, बट e रेज टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, ध्यान में रखो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या हो जाएगा e रेज टू t स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। बट आपको पता है इंटीग्रेशन में जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो हम इसे डिफरेंशिएट करके बोथ साइड हम यहाँ से dx फाइंड आउट करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड,
डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मालूम है आपको, टी का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको डी एक्स निकालना है, तो यहाँ पे अपॉन वन ले लो, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स इज इक्वल टू वन इंटू डी टी, यानी कि आपको यहाँ से देखो डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा डी टी अपॉन टू एक्स, ये देखो आपको डी एक्स का वैल्यू मिल गया है। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इंटीग्रेशन से, सो देयरफॉर ये हो जाएगा आई इंटीग्रेशन ऑफ, हमने एक्स स्क्वायर को टी लिया है, तो ये देखो एक्स रेस टू थ्री है, तो एक्स रेस टू थ्री को मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो लिख सकता हूँ ना, सेम थिंग है, एक्स का पावर थ्री मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है, एंड इंटू देखो ये ई रेस टू एक्स स्क्वायर है वो मैं वैसे लिखता हूँ इंटू डी एक्स। फर्दर देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने टी सब्स्टिट्यूट किया है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी लिया है, तो यहाँ पर लिख दो आप टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर को हमने टी लिया है, यहाँ पर टी ले लेंगे इंटू, अब हम डी एक्स को रिप्लेस करेंगे, डी एक्स के प्लेस पर हम देखो क्या लिखेंगे डी टी अपॉन टू एक्स, तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ डी टी अपॉन टू एक्स, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बेनिफिट हुआ, यानी कि जो हमारा फंक्शन था वो x के फॉर्म में था, हमने उसे सिंप्लीफाई करके t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो यहाँ पर क्या बच रहा है देखो, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 है जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं 1 अपॉन 2 को इंटीग्रेशन के बाहर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो आपका क्या बच रहा है t इंटू ई रेस टू t इंटू डी डी, ये देखो आपका बच रहा है। अब जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन बचा है वो टी का फंक्शन है, एंड ऑफ कोर्स ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, यानी कि यू इंटू वी के रूल के फॉर्म में है ये, तो हम क्या करेंगे, ये देखो अलजेब्रिक फंक्शन है, मालूम है आपको ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रूल्स आपको पता है, रूल्स है एल ए ई, ठीक है, तो एल ए ई के ऑर्डर में पहले क्या आ रहा है, पहले देखो आपका आ रहा है अलजेब्रिक और बाद में आ रहा है एक्सपोनेंशियल, पहले अलजेब्रिक आ रहा है बाद में एक्सपोनेंशियल आ रहा है, यानी कि ये आपका यू रहेगा और ये आपका वी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मूला, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू हाफ, तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर लिखो आप यू, हाँ ठीक है, देखो हमें यू इंटू वी रूल अप्लाई करना है, तो हाफ क्या है वो तो इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाइड है तो बाहर रहेगा, अब इंटीग्रेशन टू इंटू ई रेस टू टू में यू इंटू वी रूल लगेगा, तो पहले हम लिखते हैं यू, यानी कि टी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी ई रेस टू टी डी टी, फिर माइनस होता है इंटीग्रेशन ऑफ डी बाय डी टी ऑफ टी आएगा यानी कि यू, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी टी ब्रैकेट क्लोज करके अगेन हम यहाँ पर डी टी लिखते हैं, तो सिंप्लीफाई करो फर्दर, ये हो जाएगा आपका हाफ ब्रैकेट टी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी, तो पता है आपको ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन सेम ई रेस टू टी होता है, लिख दिया हमने, माइनस ये इंटीग्रेशन लास्ट में इवेल्युएट करते हैं हम लोग डी बाई डी टी ऑफ टी, यानी कि टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी आपको पता है वन होता है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी, तो सेम आएगा देखो ई रेस टू टी आएगा और ये डी टी ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट t e रेस टू t माइनस, अब देखो 1 मल्टीप्लाइड बाई e रेस टू t है, यानी कि वो e रेस टू t है और e रेस टू t का इंटीग्रेशन सेम आएगा e रेस टू t, तो ये हो गया आपका देखो e रेस टू t इंटीग्रेट हो गया है, लास्ट में आपको यहाँ पर प्लस c लिख देना है, बट जो आंसर हमारा मिला है वो कैसे मिला है, देखो यहाँ पे t के फॉर्म में मिला है, बट क्वेश्चन हमारा x के फॉर्म में था, तो अब हम इसे री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप क्या करोगे देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू, अब हम t की जगह पे x स्क्वायर को री सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा देखो आपका हाफ इंटू ब्रैकेट t के प्लेस पे आपको लिखना है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस ई रेस टू t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर और ये देखो प्लस c, एक स्टेप और आप सॉल्व कर सकते हो, ये देखो ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, दोनों भी टर्म में ई रेस टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर है, उसे हम कॉमन ले सकते हैं ब्रैकेट के बाहर, ये हो जाएगा हाफ इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आपको दिया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल क्यूब है, ठीक है, तो ये टाइप का सम जो मैंने आपको सेकेंड फॉर्मूला बताया था उससे सॉल्व होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स
ब्रैकेट में f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x होल dx का फॉर्मूला है e रेज टू x इंटू f ऑफ x प्लस c। तो वो मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि e रेज टू x है और यहाँ पर देखो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर u इंटू v रूल पॉसिबल नहीं होगा। बट हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना होगा सम्स में। देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, तो वैसे ही रहेगा। ये x माइनस वन को मैं ऐसे लिखता हूँ। अब देखो x माइनस वन को अगर मैं सेम वे लिखूँगा तो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा, बिकॉज अपॉन में अगर आप देखोगे ना x प्लस वन है, तो हम ट्राई करेंगे x माइनस वन को x प्लस वन के फॉर्म में लिखने का। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे x प्लस वन के फॉर्म में? हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वन, हमें यहाँ पर माइनस टू से एडजस्ट करना पड़ेगा दिस वे, और ये x प्लस वन का होल क्यूब रहेगा। इतना देखो आपको समझा रहेगा। जस्ट मैंने क्या किया है, माइनस वन को मैंने प्लस वन माइनस टू लिख दिया है, बिकॉज प्लस वन माइनस टू अल्टीमेटली माइनस वन ही आएगा, और इसे अगर ब्रैकेट दे दोगे ना तो सेपरेट करके आएगा फिर यहाँ से आंसर। सो ये हो जाएगा देखो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू, न्यूमरेटर में दो टर्म है, डिनोमिनेटर में एक टर्म है, उसे सेपरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा देखो आपका, मैं यहाँ पे ब्रैकेट दे देता हूँ, एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का क्यूब माइनस, ये देखो टू अपॉन एक्स प्लस वन का क्यूब, ठीक है, दिस वे इंटू क्या आएगा आपका, ये डी एक्स आएगा। अब ये x प्लस वन और यहाँ पे क्यूब है कैंसिल होगा, तो पावर में टू बचेगा, बिकॉज अपॉन में x प्लस वन का पावर थ्री है, यानी कि x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन थ्री टाइम्स है, और यहाँ पर x प्लस वन है, तो वन x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। सो देखो क्या बच रहा है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर बच रहा है वन अपॉन x प्लस वन का होल स्क्वायर बच रहा है, माइनस है, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x आता है, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस, और मैं इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ टू अपॉन देखो x प्लस वन का होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स, यहाँ माइनस लिख देता हूँ मैं, सेम थिंग है, जस्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे प्लस लिखा है तो यहाँ पर देखो माइनस रहेगा आपका, सेम थिंग है, बट मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अब देखो अगर इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा तो सम सॉल्व हो गया, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट ये मिलेगा, यानी कि ये f ऑफ x है और ये f डैश ऑफ x है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव देखते ये आता है क्या, तो मैं क्या करता हूँ डेरिवेटिव निकालता हूँ, हम लिखेंगे सिंस d बाय डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन का ट्राई करते हैं डेरिवेटिव निकालने का, तो आप इसे लिखोगे d बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन रेज टू, आपको माइनस टू लिखना पड़ेगा क्योंकि वन अपॉन ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, तो मैंने क्या किया x प्लस वन द होल स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके चला गया, तो ये हो जाएगा x प्लस वन होल रेज टू माइनस टू हो जाएगा। अब देखो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, देखते क्या आता है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा x प्लस वन रेज टू माइनस टू, यानी कि यहाँ पर डेरिवेटिव का x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा, आपको मालूम है x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन, ये हो जाएगा आपका माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन रेज टू माइनस टू माइनस वन, हम मल्टीप्लाई भी करते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अदर देन x, यानी कि x प्लस वन, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला x रेज टू n के लिए है, बट ये x तो है नहीं, x प्लस वन है, तो उसका डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई होगा, जो कि आपको पता है। ये सिंप्लीफाई करो देखो क्या आता है, तो माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन रेज टू माइनस थ्री हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x वन होता है और प्लस वन का तो जीरो होता है मालूम है आपको, आप देखो इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन रेज टू थ्री हो जाएगा, बिकॉज पावर में माइनस थ्री है, तो जब रेसिप्रोकल होगा अपॉन में आएगा तो पावर का साइन चेंज यानी कि पॉजिटिव हो जाता है, और इंटू वन तो कुछ मीनिंग नहीं है, यानी कि हमें क्या मिला देखो यहाँ पे अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मिला माइनस टू डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट, देखो यहाँ पे इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, देखो मुझे एग्जैक्ट ये मिल रहा है ना, वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिला माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल, एग्जैक्ट मिल रहा है, यानी कि ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। अब बाय फॉर्मूला हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, सो देयरफॉर आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया था यहाँ पर ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट में वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, और देखो प्लस यहाँ पे लिखा है हमने माइनस टू अपॉन
एक्स प्लस वन का होल क्यूब लिखा हुआ है ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। सो देखो डायरेक्ट आंसर रहेगा, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। तो आंसर आता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई रेज टू एक्स तो रहेगा ही, ये एफ ऑफ एक्स है यानी कि वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी। ये आपका देखो फाइनल आंसर, फार्मूला कौन सा यूज किया है मेंशन कर दो। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला हमने यूज़ किया है। तो ये फार्मूले से हमें आंसर मिल गया इसका। नेक्स्ट देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स द होल स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन के ही जैसा है, बट ब्रैकेट के बाहर देखो यहाँ पर ई रेज टू एक्स आपको दिया नहीं है, बट लॉग एक्स है। तो लॉग एक्स से हम ई रेज टू एक्स निकाल सकते हैं, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मैं देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट, हम यहाँ पर लॉग एक्स इज इक्वल टू टी लेंगे, ठीक है। लॉग एक्स इक्वल टू टी लेंगे तो यहाँ से आपको डेरिवेटिव्स मिल जाएगा। आपको मालूम है लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, या फिर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, लॉग एक्स को हमने टी अज्यूम किया है ना, तो लॉग का बेस कुछ नहीं मतलब ई रहता है, यानी कि नेचुरल बेस रहता है। तो ये लॉग के फॉर्म में है, हम इसे इंडेक्स के फॉर्म में यानी कि पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू ये e बेस में तो बेस में रहेगा और इक्वल के बाद जो कुछ भी रहेगा वो पावर में चला जाता है। ये लॉगरिथम का रूल है यानी कि डेफिनेशन है। ये लॉग के फॉर्म में दिया रहेगा, इंडेक्स फॉर्म लिख सकते हो, इंडेक्स फॉर्म दिया रहेगा तो लॉग के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो दिस में, ठीक है। अब ये लेकर के हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इजिली। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, हाँ ये हो जाएगा देखो आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डी एक्स, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आपको मालूम है 1 हो जाएगा, e रेज टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x e रेज टू t होगा, बट यहाँ पर हमें dt टी अपॉन डी एक्स लिखना होगा। तो dx को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, तो dx इज इक्वल हो जाएगा e रेज टू t इंटू डी टी, हम इसे अभी इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। सो देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब सिंपली क्या करना है आपको देखो यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एक्स है, अब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग एक्स को तो टी लिया है माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स को टी लिया था, तो ये लॉग एक्स का होल स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर देखो ब्रैकेट क्लोज करो मल्टीप्लाइड बाय, हमने एक्स को टी में कन्वर्ट किया है तो डी एक्स को रिप्लेस करोगे आप ई रेज टू टी इंटू डी टी से। मैं यहाँ पर लिख दूंगा ई रेज टू टी इंटू डी टी, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू टी मल्टीप्लाइड है, मैं उसे बाहर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर देखो ये साइड में ले सकता हूँ ई रेज टू टी, ये वन अपॉन टी ऐसे रहेगा। हमारा जो फॉर्मूला है ई रेज टू एक्स ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होता है, मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ और ये माइनस को देखो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, दिस वे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पर अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको मालूम है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला मैंने आपको दिया है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है यानी कि फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। तो ये है आपका एफ ऑफ टी और ये हो गया देखो एफ डैश ऑफ टी। तो डायरेक्ट आंसर आएगा, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा ई रेज टू टी इंटू एफ ऑफ टी क्या आपका है 1 अपॉन टी है प्लस सी है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मेंशन कर दो। ये हो जाएगा सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। तो थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाइंग हो जाएगा, ई रेज टू टी के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे, तो लिख दो एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन टी के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, टी के प्लेस पे लिखना है लॉग एक्स
अपॉन लॉग एक्स और ये देखो प्लस सी, तो फाइनल आंसर आ गया आपका एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 5.6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसे देखना मत भूलना। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।